मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। 34 बरस का बेहद तेज दिमाग लड़का जो अपनी लेक्चरर की नौकरी से आगे बढ़कर इंदिरा गांधी का इतना विश्वास पात्र बन गया था कि इंदिरा ने उसे राज्यसभा के रास्ते सांसद बना दिया। वो लड़का आज अपने सांसद बनने की खुशियां अपनों से बांट रहा था। बगल में बैठी बहन अन्नपूर्णा देवी से अचानक चाय की चुस्की लेते वक्त उसने मजाक में कह दिया कि मैं अगले जन्म में राष्ट्रपति भवन में उनकी परेड में चलने वाला घोड़ा बनना चाहता हूँ। और बहन ने डांटने के लहजे में उससे कहा कि तुम अगले जन्म में राष्ट्रपति का घोड़ा नहीं, इस जन्म में खुद ही राष्ट्रपति बनोगे। ये आशीर्वाद लड़के पर इतना भारी पड़ा कि उसका सपना टूट गया। वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था और उम्र भर उसने कोशिशों के पार जाकर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, पर बहन के आशीर्वाद की वजह से उसे राष्ट्रपति ही बनना पड़ा। वो बंगाली लड़का जिसे हम महामहिम प्रणब मुखर्जी कहते हैं। पर ये उसकी यात्रा का वो हिस्सा है कि दोनों सूरत में पहुंचा तो चरम पर, वहाँ नहीं जहाँ पहुँचने का ख्वाब उसने देखा था। ये उसकी नाउम्मीद कोशिशों की कहानी। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी एक चुनावी भाषण देकर आई थी। उनका भाषण उनके निजी सलाहकार H.Y. शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी के भाषणों की जिम्मेदारी उन पर हुआ करती थी। लेकिन आज इंदिरा गांधी ने इस प्रोटोकॉल को तोड़कर बाहर निकल जाना क्यों ठीक समझा, ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान में नए राजनीतिक बदलाव का भाषण खुद बोलने लगी। वो नियति की तैयार की गई जमीन पर उनका आखिरी भाषण था। उन्होंने शारदा का भाषण नहीं पढ़ा, वो बोल रही थी और वो सिर्फ वही बोल रही थी जो उनके जीवन में अगले दिन होना था। उनके बोलने का तेवर भी आज बदल गया था। इंदिरा अपने रवैये के रूखेपन की सबसे अच्छी हिंदुस्तानी महिला मिसाल थी। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा लंबा जीवन रहा और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये इंदिरा गांधी के वो आखिरी शब्द थे जो किसी अंधी से या यूं ही बोल गई थी वो। उनके ये आखिरी शब्द कांग्रेस के मजबूत पुर्जे प्रणब मुखर्जी के कानों में हमेशा सुनाई दिए, क्योंकि अगले दिन इंदिरा की हत्या के बाद उन्हें उनकी गद्दी का असली वारिस होना था। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या को राजीव गांधी के लिए बनाया गया। प्रणब इसलिए दरकिनार कर दिए गए क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से नंबर दो होने के बाद भी राज करने की पुरानी परंपरा से अवगत होने का ये अवसर अचानक मिला कि राजा का बेटा राजा होता है। अगर ये फैसला इंदिरा करती तब भी राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनते, पर प्रणब मुखर्जी ने ये सपना अपने दम और काबिलियत के बल पर देखा था। लेकिन उन्हें उम्र भर निराश होकर, तटस्थ होकर जलालत के घूंट पीने पड़े। प्रणब दा अब संसद की नंबर दो कही जाने वाली राजनीतिक पोजीशन पर आ गए थे। वो प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री बनाए गए। उनका कद आगे बढ़ने की तरफ से पहली बार फिसला 1984 में। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो मुखर्जी अपने बंगाल के दौरे से वापस दौड़े। उनके दिमाग में एक इंदिरा गांधी नहीं बल्कि गुलझारीलाल नंदा थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। प्रणब दा को भी ये यकीन था कि दिल्ली पहुंचने पर ताजपोशी उन्हीं की होगी, पर जल्दबाजी में उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर विचार नहीं किया। हो सकता है उन्होंने अपने बाद उनको प्रधानमंत्री बन सकने वाला लड़का समझा हो। प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल लेकिन कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने सियासी पिछलग्गुपन और आगे चल सकने वाली सियासी वसूली के चलते प्रणब दा को ठिकाने लगा दिया। युवा कांग्रेस के महासचिव राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। प्रणब मुखर्जी का ख्याल ये था कि कैबिनेट के सबसे सीनियर सदस्य वो हैं, इसलिए उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। प्रणब दा का सपना पहली बार किसी के लिए टूट चुका था।
अभी कान भराई का मुश्किल दौर आना बाकी था। जनवरी 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उनके पीएम बनने में ज्ञानी जैल सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो इस तरह से प्रणब्दा को चोट पहुंचाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, पर प्रणब्दा अपनी जिद और काबिलियत से ज्ञानी जैल सिंह के ओहदे तक पहुंचे। प्रणब को जानबूझकर राजीव की आंख की किरकिरी बनाकर रखा गया और राजीव भी इस बात को मानते थे कि आज नहीं तो कल पर किसी काबिलियत को दम घोटकर नहीं रखा जा सकता। बाकी प्रणब्दा प्रधानमंत्री बनने का मादा भी रखते थे। उन्हें हर जगह कमज़ोर कर दिया गया और बाद में 6 सालों के लिए कांग्रेस से उन्हें निलंबित कर दिया गया। हमेशा खून के घूंट पी जाने वाले प्रणब मुखर्जी इस बार खुद से मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की एक पार्टी बना ली। अब वो बागी थे। उनके इरादों के आगे राजीव गांधी ने हार मान ली और 3 साल बाद ही वो उनके करीब आ गए। प्रणब्दा अपने उसी सपने के साथ वापस लौट आए जिसे वो देखने की ज़रूरत की वजह से बाहर गए थे। बस इस बार हर बार की तरह वो चुपचाप आगे बढ़ना चाहते थे। उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। 1991 तक उनका सपना दिल में दफन रहने के बाद उस दिन मुंह उठा पाया जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रणब को फिर दरकिनार करके पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। सपना एक बार फिर प्रणब मुखर्जी से दूर चला गया। हालांकि नरसिम्हा राव उनके दोस्त थे और उन्होंने उनके आगे निकल जाने को कैसे लिया होगा, ये बेहद मजबूत इरादे वाले ही कर पाते हैं। उन्हें प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया और फिर विदेश मंत्री भी बनाया गया, लेकिन राव सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट में भी शामिल नहीं किया गया था। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1995 में अर्जुन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के लिए चुनौती बनकर उभरे तो उन्हें रोकने के लिए प्रणब्दा को विदेश मंत्री बनाकर नरसिम्हा राव ने अपना राजनीतिक हित साधा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA 2004 में केंद्र में सत्ता में आई तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रणब मुखर्जी की जगह अनुभवहीन नेता मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में प्रणब की गिनती नंबर 2 की होती रही। इस दौरान उन्होंने कई रक्षा 2004 से 6, विदेश 2006 से 9 और वित्त 2009 से 12 जैसे कई अहम मंत्रालय भी संभाले। जुलाई 2012 में UPA की ओर से वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए और जुलाई 2012 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने मौत की सज़ा पाए आतंकी अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन समेत 24 लोगों की दया याचिका खारिज की। वो 2017 में इस पद से रिटायर हो गए। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद प्रणब अचानक उस समय सुर्खियों में आए जब वो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब्दा के कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस समेत कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। प्रणब्दा अब कांग्रेस के बंधनों से मुक्त थे। वो महामहिम थे, पर वो सर्वोच्च पर पहुंचकर भी हताश हुए क्योंकि कांग्रेस पर उनकी बेकदरी का आरोप हमेशा रहेगा। शिखर पर पहुंचना तो तय था, पर मन की कंदराएं हमेशा बिन पाए को मांगती रहती हैं। महामहिम जा चुके हैं। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.